का आज आपका फिर से स्वागत है। आज आपको हम दिखाएंगे आलू का परांठा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज टाइप का। ये देखिए, वैसे तो आलू का परांठा बिना कुछ मिलाए भी बन सकता है, लेकिन हम आलू के अंदर प्याज मिलाएंगे, हरी मिर्च इसके अंदर ही काटी हुई है, और ये जो धनिया है ये इसमें मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आलू जो है मैश कर लेते हैं। इस तरह से अपने हाथों से ही आलू मैश कर लीजिए। स्टफिंग तैयार कर लेंगे पहले। लीजिए, आलू पूरी तरह से हमने इस तरह से मैश कर लिए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से दबा करके उसको मिक्स कर दिया है, बिल्कुल भी कोई गांठ नहीं बची है वो इसके अंदर। और अब हम इसमें मिला लेते हैं प्याज। प्याज आप जितनी क्वांटिटी में मिलाना चाहें उतने मिलाएं, छोटे छोटे कटे हुए हैं बहुत ही बारीक बारीक, और ये धनिया, और इसी के अंदर हरी मिर्च है। अब हम इसको मिक्स करते हुए और ड्राई मसाला डालेंगे। ये देखिए, स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो मिर्च कम डालेंगे हम, और ये पिसा हुआ थोड़ा सा जीरा मिक्स करेंगे। लीजिए, स्टफिंग हमने तैयार कर ली है, उबले हुए आलू, प्याज, धनिया, हरी मिर्च और सूखे मसाले डाल करके स्टफिंग हमारी रेडी हो गई। आटा देखिए, जो हमने 10 मिनट पहले से ही गूंद के रखा है, बहुत अच्छा सा उसका सॉफ्ट डो हो गया है, ये देखिए इस तरह से। चलिए परांठा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले पेड़ा लेंगे, आपको जितना भारी या जितना हल्का परांठा बनाना है उतना ही बनाएं। हम मीडियम ही बना रहे हैं, ज्यादा भारी या ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे, मीडियम परांठा तैयार कर ले रहे हैं। ये देखिए, सूखा आटा लगाते हुए इसको हल्का ही बेलेंगे ताकि इसके अंदर हम स्टफिंग भर सके। अब देसी घी लगा लेंगे, मैंने घी पिघाल करके रखा है ताकि स्प्रेड करने में बहुत आसानी हो। पूरी तरह से घी हमने स्प्रेड कर दिया है। अब ये देखिए, इसके अंदर आलू भर लेंगे। ये देखिए, आप ज्यादा भी भर सकते हैं। अब ये इस तरह से उठा करके इसे बंद करते हुए यूं, ये लीजिए, पूरी तरह से दबाएं ताकि जो हमने आलू की स्टफिंग डाली है पूरी तरह से पूरे परांठे में फैल जाए। अब सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से बेल लेंगे। लीजिए, तवा हमारा गर्म हो गया है, इस तरह से उठा लें अगर आपसे नहीं उठाया जाता तो। लीजिए, अब इसे पलटा देते हैं, दो हाथों से कर लेंगे ताकि हमारा परांठा टूटे नहीं, और धीमी आंच पे धीमा धीमा पकाएंगे। अगला परांठा तैयार करते हुए ये लीजिए, घी पूरे पूरे परांठे के लिए स्प्रेड करेंगे, बिल्कुल पहले परांठे की तरह इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। ये लीजिए, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से इस तरह से मिलाते हुए। ये लीजिए, पूरा स्प्रेड करेंगे, सूखा आटा लगाते हुए हल्के हाथों से बेलते हुए। लीजिए, अगला परांठा भी तैयार हो गया है, इसको घी लगा लेंगे अच्छी तरह से। अब हम पलट के इसको बहुत अच्छा रोस्ट करेंगे और एकदम स्वादिष्ट पराठा हमारा आलू का तैयार हो गया है। ये देखिए, उल्टा लेते हैं, इस तरह से घुमा घुमा कर पकाएं। ये देखिए, ऐसे देखा कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। हमने इस तरह से इसको चला चला करके पकाया है ताकि सब तरफ से बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और परांठे का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाए। सर्व कर लेते हैं। ये
दीजिए। उसी तरह से दूसरा डालते हुए लीजिए, पलटा लेते हैं। और जैसे पहले परांठे को हमने बहुत अच्छा रोस्ट किया था, टेस्टी बनाया था, सेम उसी तरह से हम इसको रोस्ट करेंगे और टेस्टी बना लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से घुमा घुमा के उसे पकाएंगे। लीजिए देसी घी के हमारे आलू के पराठे तैयार हो गए हैं। नाश्ता एकदम झटपट तैयार। उसी तरह से घुमाएंगे ताकि चारों तरफ से हमारा परांठा जो है इक्वल पक जाए। लीजिए उल्टा लेते हैं। देखिए परांठा हमारा रेडी हो गया है। गैस हम बंद कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, लीजिए आलू के पराठे तैयार हो गए हैं। ये संडे स्पेशल नाश्ता है। हमारे घर में जब बच्चे छुट्टी पे होते हैं तो बोलते हैं मम्मी संडे के स्पेशल पराठे बनाओ, तो हम ये आलू के पराठे दही के साथ सर्व करते हैं। बहुत स्वादिष्ट। आप गर्मियां हैं तो दही के साथ, अगर सर्दियां थी तो तब हम चाय कॉफी गर्म चीज के साथ खाते थे। आप भी खाएं, इंजॉय करें। अगर आपको हमारी बनाई हुई ये छोटी छोटी रेसिपीज बहुत पसंद आ रही हैं तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।